दोस्तों चलिए हम लोग VS कोड ओपन करते हैं और वहाँ पर जो कि कोड को रन करवा के देखते हैं डार्ट प्रोग्राम्स के। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, आप ये फोल्डर कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, आप ये फोल्डर कहीं पर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर है, मैं इस पर क्लिक करके देन यहाँ पर VS कोड को ओपन कर सकता हूँ। ये फोल्डर मैंने जो बनाया, आप इसको डी ड्राइव जो भी आपके पास है उसमें भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर VS कोड जो है कि मेरा ओपन हो रहा है। तो आप प्रोग्राम को ऐसे रन कराएंगे, सबसे पहली बात तो ये, तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होने के बाद आपको ओपन एक फोल्डर, आपको पहले तो एक फोल्डर तो वेलकम की स्क्रीन पर आपको आ जाना है और यहाँ पर जो है कि मैं एक फोल्डर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट न्यू फाइल पर क्लिक करके आप आए न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल, और यहाँ पर टेक्स्ट वही आपको न्यू फाइल सेव करना होगा, एक फोल्डर ही। तो आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ से ये न्यू फोल्डर चॉइस कर लेना जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था। ठीक है, आपको भी एंड सेलेक्ट फोल्डर कर देना, बहुत सिंपल सी बात है। ये फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर जो हमारा न्यू फोल्डर वो आ जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फाइल नहीं ली, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ से मैं एक जो है कि फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर न्यू फोल्डर के अंदर मैं एक ले लेता हूँ फर्स्ट, और जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होना चाहिए वो डॉट डॉट से होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोग्राम है डॉट का, वो डॉट एक्सटेंशन होता है। एंटर कर देना, ये ओपन हो जाएगा। अब प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए सिंपली हम लोग पहला प्रोग्राम देख लेते हैं और यहाँ पर मैं वाइड मेन से स्टार्ट करता हूँ। सिंटेक्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ रन करवाना, कैसे रन करवाएंगे कोड को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट एंड देन यहाँ पर डबल इक्विट में मैं लिख देता हूँ टेक्निकल माजी, देन यहाँ पर मैं सेमी कलन लगा चुका हूँ। अब ये मेरा प्रोग्राम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइड बिंदी ऐसा बन के आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं प्रोग्राम, इससे आप ये पहचान लेंगे। ठीक, कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली शो हो जाएगा। रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग जाएंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पर क्लिक कर देंगे। ठीक, अभी डिब तो इसका जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो आउटपुट है टेक्निकल माजिद वो यहाँ पर शो हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आप जो कि रन करवा सकते हैं। अगर एक बार फिर यहाँ पर मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं टेक्निकली रखता हूँ, देन अगेन रन करवाता हूँ। ठीक है, रन करवाऊंगा तो इसके बाद जो आउटपुट हमारा आ चाहिए टेक्निकल, और यहाँ पर सक्सेसफुल टेक्निकल आ चुका है। तो फाइनल कुछ इस प्रकार से आप जो है कि VS कोड में डार्ट प्रोग्राम के जो डार्ट का प्रोग्राम लिखते हैं उसको कैसे रन करवाएंगे आपको तरीका मालूम हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।